की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने सोशल मीडिया पर आज एक हथौड़ी की फोटो शेयर की। अरुण योगीराज ने हथौड़ी की फोटो शेयर की और लिखा कि इस चांदी के हथौड़े और सोने की छेनी की तस्वीर साझा करने की इच्छा हुई, इसी से मैंने रामलला की दिव्य आंखें बनाई थी। तो देखिए कई मायने हो जाते हैं इस हथौड़ी और छेनी के, जिसकी तस्वीर साझा की है अरुण योगीराज, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, क्योंकि ये वही हथौड़ी और छेनी है जिससे भगवान श्री राम की आंखें बनाई गई थी। और जैसे ही तस्वीर साझा की गई अरुण योगीराज की तरफ से, ट्रेंड हो गई ये फोटो और काफी लोगों ने इस फोटो को पसंद किया। आज से बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ से इसका आगाज करने जा रहे हैं। शुक्रतीर्थ में जेपी नड्डा जो हैं वो शुरुआत करेंगे इसकी। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। जेपी नड्डा शुक्रतीर्थ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गाँव की परिक्रमा और किसानों के साथ चौपाल का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे शुक्रतीर्थ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो मिशन 2024 के लिए अब जुट चुकी है बीजेपी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सत्य करना है और इसी के लिए शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ से आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कई और बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए मुजफ्फरनगर से, सीधे रुख करेंगे और जानकारी ले लेते हैं इस समय तैयारियां कैसी की गई हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने की, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। जी हाँ, देखिए मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी मजबूत किलेबंदी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं और यहां ग्राम परिक्रमा अभियान की शुरुआत होने जा रही है, ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसी तैयारियां हैं। यहां पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से ही बीते दिनों प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई गई कि किस तरह से यहां पर हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तकरीबन 12 बजे जेपी नड्डा यहां पर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिरोजपुर गांव में एक चौपाल भी लगाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिनेश पवार जी मौजूद हैं। बिनेश जी, क्या इंतजाम हैं, कितने बजे जेपी नड्डा साहब यहां पर आएंगे और इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर की धरती से होने जा रही है, एक बड़ा पैगाम बड़ा संदेश वेस्ट यूपी की धरती से मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम है और उसी को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां पहले से ही कर ली थी। कल से ही तमाम अधिकारी यहीं पर जमे हुए हैं, यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, 5 पीएससी तैनात की गई है, इसके अलावा और कई तरह की फोर्स यहां मौजूद है। बिल्कुल, तो उमेश तैयारियां पूरी कर ली गई है। उमेश और विनेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।